रुद्र महारुद्र शिव शंकर परयंकर भूतनाथ महाकाल। आपके फोन का क्या साउंड है भाई? ये चाइना सेट है ना, इसलिए साउंड ज्यादा है लेकिन बैटरी कमजोर है। इसका मतलब क्या है? अबे अकल के दुश्मन, इसका बैटरी बैकअप बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। ऐसा क्या? अगर तुझे कोई लड़की फोन करेगी तो तू कैसे मेंटेन करेगा? इसमें टेंशन की बात नहीं है, मेरे पास नोकिया का भी सेट है, कनेक्टिंग द पीपल। भाई मैं आज बहुत बोर हो रहा हूँ, कोई अच्छा सा गाना सुना। ओके अभी सुना देता हूँ। कैसा लग रहा है भाई? ए भाई तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है? हाँ अरे यार, मैंने इस बेवकूफ को अच्छा सा सॉन्ग प्ले करने के लिए कहा, अपने इस डब्बा मोबाइल से घटिया सॉन्ग चालू कर दिया था, इसीलिए इसका मोबाइल फेंक दिया। बस इतनी सी बात है? देखो हमारा म्यूजिक है, हमारा गाना है, तो स्टेप्स भी हमारे होंगे। चलो आ जाओ, करते हैं हम लोग। डॉली 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 मन चली, जॉली 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 कहाँ चली, डॉली 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 मन चली, जॉली 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 कहाँ चली। डॉली 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 मन चली, जाली 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 कहाँ चली। का है टुकड़ा दीवाना दिल तेरे लिए धड़के, फूलों सा है मुखड़ा निगाहें तेरी इश्क अगन भड़के, जो
सुन लिया तेरे दिल का रास्ता, सुन ले डियर जरा, छाया नशा तेरे हुस्न का जादू, अक्स में बियर भरा है। Hey, na 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 na. Hey, na 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 na. Don't you dare follow me, I'm gonna get it real bad. You better get back, get back to the place you came from. Don't you dare follow me, I'm gonna get it real bad. You better get back to the place you came from. फर्स्ट लुक में ही फिक्स हुआ रे दिल की मलिका तू, जस्ट कम टू मी माशूका मेरी चैन दिल का तू, रंग तेरे प्यार का दिल में लाइफ का कलर खिला, लव यू लव मी एक हो जाए लाइन क्लियर मिला। Eh na 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 na, eh na 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 na. Dolly dolly dolly, man chali, jolly jolly jolly, kahan chali? कितना हुआ इसका? अभी तो 100 में इसकी पैंट पतली हो गई, आगे भी ढीली हो जाएगी। बस कर, चल जा क्लास। अरे छोड़ ना यार, जाने दे, तू इतना रैगिंग करता है। अरे यार देखो क्या जलेबी है यार। अरे उस जलेबी को पहले इधर तो बुलाओ। न्यू एडमिशन है? कौन सी क्लास में? फर्स्ट ईयर बीकॉम। क्या भाई, इसकी रैगिंग करोगे या फिर ऐसे ही जाने दोगे? यार जलेबी तो दिखने में डिफरेंट लग रही है, इसे कोई डिसेंट काम देना चाहिए यार। डिसेंट है, स्किप कर। स्किपिंग? रस्सी ही नहीं है ना। इसे रस्सी की कोई जरूरत नहीं है, ये बगैर रस्सी के करेगी। ए स्किप कर। ए क्या रे, तू तो स्कीपिंग देखकर स्लीप हो गया। ए चलो उड़िया भाई, जरा मैं भी तो इसके साथ स्कीपिंग करूं। उठो उठो आओ। देखो भाई, कोई चंपाकली आ गई है। ये चंपाकली नहीं है रे, ये तो कोई अनारकली है। कोई भी काम बीच में नहीं छोड़ा जाना चाहिए, ये अब शगुन माना जाता है, आगे कंटिन्यू तू करेगी। चल कर 25 स्कीपिंग। हे, तुम्हें पता है किसका बेटा है? आईएएस का बेटा हो या फिर किसी भी मिनिस्टर का बेटा हो, सभी कॉलेजों में रैगिंग बैन कर दी गई है, तो ये रैगिंग क्यों कर रहे हैं? ए चलना, चल भाग यहाँ से, चलो चलो भाग यहाँ से। Whoa!
अरे विनय, ये लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं? जो काम नहीं करना चाहिए वो करेंगे तो ऐसे ही होगा ना। क्या मतलब? रैगिंग कर रहे हैं इसलिए मार खा रहे हैं। बाकी सब तो ठीक है, पर ये कौन है? पता नहीं, आ चलो पहचान बनाते हैं। हाँ चल। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। एक्सक्यूज मी, न्यू एडमिशन है ना? हाँ, फर्स्ट ईयर बीकॉम। ओह, हमारी क्लास में हो। हे, मैंने तुझे टेंशन या इंटेंशन में आकर के नहीं मारा। जो तू कर रहा है वो गलत बात है। आई एम सॉरी अजय। सॉरी मुझे नहीं, उस लड़की को बोल। बाय द वे, आई एम गीता। आई एम अरुणा। नाइस मीटिंग यू। आई एम सॉरी। इट्स ओके। क्लास में जाते? हाँ, कम। हाँ ठीक है, चल जा। बाय द वे, मेरा नाम विनय है। नाइस टू मीट यू। रैगिंग करने वालों को अजय ने अच्छा सबक सिखाया, ऐसा ही होना चाहिए। ए, ए, रिंगटोन तो भेज। अबे क्लास में बैठा है, सामने देख। यार रिंगटोन नहीं भेजता तू। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन। माय डियर स्टूडेंट्स, क्या है ये डिसिप्लिन? आज मैं आप सब लोगों को डिसिप्लिन का मतलब सिखाता हूँ। मैं खुद आप लोगों को समझाऊंगा। अगर आप लोगों को मेरी बात अच्छी लगे तो मुझे एंकरेज करने के लिए आप लोग तालियां बजाइए। होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। अबे किसी का जोक मत कॉपी कर, खुद का टैलेंट बता, समझा ना? और अगर तुझे जरा भी अकल है तो यहाँ जितने भी लोग बैठे सबसे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछ। लाइटर दे। एविने। यस पिंकी। अजय ने जो कहा वो सही है क्या? एक बात बोलू? हाँ। ये स्पोर्ट्स, सिनेमा, स्टडीज, इन तीनों के बारे में मैंने काफी जानकारियां हासिल की है। अगर तो इन सब में से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो मैं इसका सही से सही जवाब दूंगा। क्या तुम्हें पूछने की कैपेसिटी है? अच्छा चलो, आज तेरा जनरल नॉलेज टेस्ट करते हैं। स्पोर्ट्स के बारे में सवाल पूछूंगा तो जवाब दे पाएगी क्या? ओके। कौन से गेम के बारे में पूछूं? टेनिस। ओके गाइस, ध्यान से सुन लेना। टेनिस के बारे में एक ही सवाल पूछूंगा। सानिया मिर्जा कौन है पता है तुम्हें? पता है, पूछो। वो जो टेनिस खेलती है उसके टेनिस नेट में कुल कितने होल हैं बता जरा। ठीक, फालतू क्वेश्चन। साइलेंट, साइलेंट, साइलेंट। अरे टाइम पास करने को बोलो तो इस तरह से खड़े रहकर करोगे? ये कॉलेज है, कोई कॉफी डे नहीं, पूरा कैंटीन बना के रख दिया। एक कोल्ड कॉफी का ऑर्डर दे रहे हैं। कौन बोला, कौन बोला? अबे कॉफी तो रेडी है, आइस भी तो रेडी है ना तेरे पास? नॉनसेंस ब्लडी फूल। ये टीचर भी डिसिप्लिन डिसिप्लिन करके ऐसे ही मर जाएगा। डिसिप्लिन? हाँ वो हमें पता है। ओ, मुझे नहीं पता था क्या, इसलिए तुम लोगों ने बोर्ड पर लिख दिया? डिसिप्लिन सिखाने वाले को ही डिसिप्लिन सिखा रहे हो? ठीक है, सिखाता हूँ। आज का सबक है सोया है क्या मेरा भाई? हाँ सर। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा चल बता। हाँ सर। ग्रेविटेशन क्या है वो सर? हाँ बोल। अच्छा ये तो सेक्सी क्वेश्चन है सर। अरे ये क्या कर रहा है, मैंने सेक्स का क्वेश्चन पूछा क्या? चल बैठ जा, अपनी शक्ल तो देख, डर्टी पिक्चर का विलन लग रहा है तू। अपनी हालत तो देख, सर पे चिड़ियों का घोंसला बना के रखा है, क्या जुल्फे हैं सर। मुझे एक डाउट है, एक डाउट है सर।
बस एक ही डाउट। बिल्कुल वो भी तेरे दिमाग में आया, चल पूछ। आपने अपनी लाइफ में किसी से प्यार किया है क्या, बताइए ना सर। अरे ये तो मेरी पहले की लव स्टोरी है, तू उसे अभी फिजिक पीरियड में निकाल कर क्यों स्पीड को खराब करने में तुला है भाई। सर क्या हुआ आपको? मुझे मुझे जो प्यार करती थी मर गई क्या सर? उसकी तो शादी हो चुकी है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन किससे हुई सर? और किसके साथ? मेरे ही साथ। साइलेंट 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 साइलेंट। तुम लोगों ने मेरी लव स्टोरी पूछ के सारा मूड ही खराब कर दिया। मैं तेरा फेस खराब करता हूँ? अब तो मुझे पढ़ाने का भी मन नहीं कर रहा है। छी देखो मैं बहुत ही कड़क टीचर हूँ, बाकी और टीचरों की तरह नहीं हूँ मैं, जो सिर्फ टाइम पास करते हैं। जो मेरा सबक सुनना चाहता हो बैठे, जो नहीं चाहता हो चले जाए से। जाओ जाओ यहाँ से। हाँ ग्रेविटेशन, यस ग्रेवि। क्या भाई सब लोग चले गए? हाँ सर। तो तू क्यों यहाँ पर अकेला बैठा है? तुझे मेरा सबक सुनना पसंद है या तू ही कुछ सुनाना चाहता है, बता मुझे। ऐसा कुछ नहीं है सर, मेरी बुक आपके पास है, दे दीजिए मैं चला जाऊं। ये ले भाग। अरे अरे अरे, जब किसी स्टूडेंट्स को पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं है तो उसे जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। देखो ना सब चले गए, अब मैं ही अकेला रुक कर क्या करूंगा। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस एंड हैज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आए दिन अगर हम हर टीचर से ऐसे बर्ताव करेंगे ना तो हम कभी क्लास में नहीं होंगे, हर दिन बाहर होंगे। एंड नॉन मटेरियल साइंस, अरे बस में ठीक तरह से खड़े रहने को भी नहीं आता है। चलो बाजू हटो बाजू हटो। अरे ठीक से खड़े रहो, साइड हटो। किसका चेंज बाकी था ये लो, और पीछे किसी का टिकट बाकी है तो जल्दी से टिकट ले लो। जो पैसा दिखाएगा उसे टिकट मिलेगा क्या? हाँ कॉमेडी करने आए हो क्या? तुम कॉलेज के लड़के बहुत खिंचाई करते हो। जो है मैंने वही बोला, अगर कुछ दूसरा बोलता तो कंट्रोवर्सी हो जाती। ये ले पैसे, टिकट दे। हाँ ये ले। ए रजनीकांत एक टिकट मुझे भी दे यार। अरे वो तो तमिलनाडु में रहते हैं। ये कोई टाइम है पीने का? इतनी दोपहर में पीकर सफर कर रहे हो, कहीं जाकर मर जाओ। तुम जैसे को तो नरकी नसीब होगा। अरे अंकल ये कंडक्टर तो कह रहा है मैजिस्ट्रेट जाएगी। जाने देना यार। और आप कह रहे हैं कि नर्क जाएगी। बोलो भाई किसका टिकट बाकी है? मैडम आपका टिकट पास। वाह पास। हाँ भाई तुम्हारा टिकट पास है तो निकाल के दिखाएगा नहीं क्या? कंडक्टर साहब लड़की पास कहती है तो दिखाने के लिए नहीं बोलते। हाँ और मैं पास कहता हूँ तो तुरंत दिखाने के लिए बोल रहे हो। लड़कियों को बोलूंगा तो खोल कर दिखाएंगे, सब मिलके मारेंगे। जल्दी जाओ। हाँ ठीक है। थर्ड ब्लॉक का स्टॉप आ गया है, जिसको उतरना है जल्दी उतरो, जल्दी जल्दी। हाँ जाने दो जाने दो। ये तो हमारे एरिया में रहती है, पहले तो कभी नहीं देखा इसे। अरे बेटा। अरे माँ तुम यहाँ पर कैसे? हम दोनों तो मार्केट गए हुए थे, लेकिन तू यहाँ पर रोड पे खड़ा क्या कर रहा है? अरे नहीं माँ, मुझे इस घर की डिजाइन और पेंटिंग बहुत अच्छी लग रही थी, वही देख रहा था। तुम्हें नहीं पसंद आई क्या? रोड पर खड़े होकर किसी और के घर की डिजाइन देख रहे हो? घर पर होते हो तो फेसबुक में घुसे पड़े रहते हो। कॉलेज में पता नहीं किसको किसको देखते होंगे माँ। ए पगली चुप कर, ज्यादा मत बोला कर। चलो माँ तुम घर। इस पर क्यों भड़क रहा है? सॉरी माँ। नहीं मेरे दोस्त, आज की डेट में घर बांधना शादी करना ये भी तो जिंदगी का अहम हिस्सा है ना। हाँ वो सब तो ठीक है। आओ आओ दोस्त, ये वही है राशन कार्ड में जिनका नाम पहले है।
मेरी बीवी श्रीमती नमस्ते, नमस्ते बहन। और ये है मेरी बेटी अर्पिता, ये पढ़ाई में बहुत तेज है। नमस्ते, ये है मेरा दोस्त केशव, इसकी बेटी की शादी है इसलिए कार्ड देने आया है। और ये मेरा बेटा अजय। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, अभी तुम क्या कर रहे हो? बीएससी फाइनल ईयर में हूँ, एमबीए करने की सोच रहा हूँ। वेरी गुड, थैंक्स अंकल। मैं आप लोगों के लिए कॉफी लाती हूँ। हाँ, और सुनाओ दोस्त। मैगजीन में मुझे इसका चेहरा क्यों दिख रहा है? मेरे दिलो दिमाग में कलर जीरोक्स की तरह बैठ गई है। बंद क्यों किया पापा? सॉरी सॉरी बेटा। तुमने कहा था ना कि मेरी पसंदीदा सीडी डाल के चालू करने के लिए, इसलिए मैंने बंद कर दिया। कौन सी सीडी पापा? झनक झनक पायल बाजी। थैंक यू सो मच पापा, आई लव यू सो मच। झनक झनक पायल बाजी, झनक झनक पायल बाजी। बहुत अच्छा गा रहे हो, वाह बेटी मिलकर। किसी फिल्म प्रोड्यूसर से तुम दोनों को मिलना चाहिए। बेटी डांस करती है और बाप गाना गाता है। सच कहूँ तो जोड़ी यूनिक है। अरे तुमको तो खुश होना चाहिए कि आजकल के लड़के लड़कियाँ डब्बे कंप्यूटर के सामने बैठ करके हर वक्त ट्विटर फेसबुक में घुसे पड़े रहते हैं, लेकिन मेरी बेटी तो सीखने के लिए जाती है। शास्त्रीय संगीत, भरतनाट्यम, इस बात पे तो हमें गर्व होना चाहिए। और क्या चाहिए माँ? और कुछ भी नहीं चाहिए। सुनिए, आप सिर्फ गाना ही गाते रहेंगे या खाना भी खाएंगे? इसने खाना खा लिया, आप चलिए। हेलो। हे, कहाँ हो दोस्त? नाश्ता कर रहा हूँ। नाश्ता अभी मुंह में है, पेट में उतरने तक कॉलेज कैंपस की कैंटीन में पहुंच जाऊंगा। क्या बात कर रहा है? ये क्या हुआ? उसने कहा जल्दी आऊंगा। हाँ। मेरे मोबाइल की कसम खाई उसने। हाँ। और मोबाइल टूट गया। शुक्र कर मोबाइल की कसम खाई। हाँ। तेरी कसम नहीं खाई। क्या मतलब? नहीं तो मोबाइल की तरह धम हो जाता। She is always late. Wait, wait, I'm coming. How long? Shall we go? Okay. क्या हुआ? आज क्लास में भी नहीं आया तू, और इतना साइलेंट क्यों बैठा हुआ है बता? उस लड़की की वजह से। कौन? अरुणा। कौन अरुणा? ओ, वो हेल्पिंग नेचर। हाँ वही विनय। वो क्या है, मेरे दिल के कैमरे में उसकी फोटो छप गई है यार। आज मैं उसके घर के पास से गुजर रहा था तो वो किसी और लड़के के साथ जा रही थी। मेरा तो दिल ही टूट गया यार। मतलब इतनी जल्दी तुझे उससे प्यार हो गया? पता नहीं यार। तो फिर किसी और के बाइक पर अगर वो बैठती है तो तुझे क्यों तकलीफ हो रही है? वो कौन है इसी बात की तो तकलीफ है यार मुझे।
बॉयफ्रेंड है क्या? गेस कर। बॉयफ्रेंड है? वो सब छोड़ दे, तू टेंशन क्यों ले रहा है? वो लड़का कौन है पता लगा लूंगा। तुम्हें समझ में आ रहा है ना? एक मिनट में आया, तू यही बैठना। सब ठीक है, चिंता मत करो। हाय गीता। हाय विनय। वो मुझे तुमसे कुछ पर्सनल बात करनी है। एक मिनट रुना। इट्स ओके। तो बोलो विनय। एक्चुअली मैंने कभी किसी लड़की से ऐसे बात नहीं की। बात कुछ ऐसी है, पर तुम परवाह मत करो, बोलो। एक मिनट के लिए अगर तुम बुरा नहीं मानोगी तो तुम्हारा हाथ पकड़ लूं। मुझसे प्रॉमिस करो किसी को बताओगी नहीं, और गलती करूं तो तुम बात करना नहीं छोड़ोगी, और गुस्सा भी नहीं करोगी, और गाल पर तो बिल्कुल नहीं मारोगी। छे छे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करूंगी, तुम परवाह मत करो, बोलो। वो जो अभी गई ना, वो अपनी अरुणा, उसे जो ड्रॉप करने आया था, वो कौन था? बात करने से पहले मैंने तुमको बताया था कि नाराज मत होना, गुस्सा मत करना, और थप्पड़ तो बिल्कुल मत मारना, फिर भी तुमने मुझे थप्पड़ मारा। मेरे बारे में पूछते तो परवाह नहीं थी, मेरे सामने किसी दूसरी लड़की के बारे में पूछ रहे हो, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए, स्टूपिड। तो पूरा होलिया बिगाड़ दिया। क्या किया तूने? हेलो, इन सब बातों के लिए कुछ तरीके और रूल्स होते हैं, समझा तू? जिस तरीके से लोग ग्रैंड रोड जाके लड़कियों से डायरेक्ट पूछते हैं, वैसे ही तू उससे पूछ रहा है, ऐसा कहीं होता है क्या? चल क्लास में चल। अरे चल ना, चल। आखिर तुमने उसे मारा क्यों? वो पागलों जैसी बातें कर रहा था, इसलिए मैंने उसके गाल पे थप्पड़ दे दिया। हाय, दिस इज गीता। हाय, नाइस टू मीट यू। सेम हियर। अरु, इट्स गेटिंग टू लेट, शैल वी मूव? यप। ओके, बाय। वो देख, वही लड़का है। भाई मैं वहां जा के आया, लेकिन वो मिला नहीं, बहुत ढूंढा भाई। कौन? रिंगटोन ना। ए, यहां पर हमारी लाइफ ही बदलने वाली है, और इसे रिंगटोन की पड़ी है। चल चलते हैं। यार मैंने ऐसा क्या पूछ लिया, सिर्फ रिंगटोन ही तो मांगा था ना। कूल कूल। क्या लेना पसंद करोगी? आई विल हैव चॉकलेट मिल्कशेक। या वन चॉकलेट मिल्कशेक एंड वन कैपेचिनो। अच्छी हंसी है आपकी। वैसे गांव कौन सा तुम्हारा? मांगो सर, मांगो, मान गांव सर, मान गांव। क्या मंगाओ? मांग गांव है, मांग गांव। ओह, मांग गांव है क्या? ब्राउन शुगर लाओ कि व्हाइट शुगर सर? ओह, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज सेइंग। ओपनिंग है सर। अरे भाई, जो तुझे पसंद है वो लेकर आना। ओके सर। सच में यार? अब क्या हुआ? आप दोनों की जोड़ी सुपर सर। माय डियर स्टूडेंट्स, हर साल की तरह इस साल भी हम लोगों ने स्टूडेंट्स के लिए कॉलेज में एक फेस्टिवल रखा है। इस फेस्टिवल के कोऑर्डिनेटर के तौर पे प्रोफेसर जनार्दन को ही रखा गया है, वो आपको इसकी सारी जानकारी देंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, हर साल की तरह इस साल भी कॉलेज का फेस्टिवल रखा गया है, इसलिए यहाँ पर आप सब लोगों को बुलाया गया है। हर साल की तरह इस साल के फंक्शन को बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस करने के लिए तुम सबका एक साथ होना बहुत जरूरी है। तो क्या हम सब लोग एक दूसरे का साथ फेल होने के लिए दे रहे हैं क्या? अरे बेवकूफ, कहीं का बगैर बोले चुप नहीं बैठ सकता। सर, किस तरह की परफॉर्मेंस कर सकते हैं? सारे प्रोग्राम की लिस्ट कल नोटिस बोर्ड पे लगा दी जाएगी। तुम्हें जो प्रोग्राम करना है तुम्हें सेलेक्ट करना होगा। सर, यस, आइटम सॉन्ग करें तो कैसा रहेगा? ए सर, आइटम सॉन्ग करने के लिए तुम मलिका शेराव दो या वीना मलिक हो? उन दोनों में से तो मैं नहीं हूँ।
सर सोलो डांस कर सकते हैं क्या? ए, क्या गोरिल्ला की तरह हंसता है? लड़कियां तो सिर्फ सोलो डांस ही कर सकती है सर, लेकिन हम लड़के ग्रुप डांस कर सकते हैं, इसलिए हम ही जीतेंगे। ए, 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 सोलो हो या ग्रुप में हो, कम से कम तैयारी में लगी हुई है। तुम क्या परफॉर्म करोगी? सर वो सरप्राइज है। हाँ 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 हाँ, ओके गुड लक। थैंक यू। हाँ तो इस फेस्टिवल को हम सब मिलकर बिना शोर शराबे के अच्छे से मनाएंगे, ठीक है? ओके चलो चलते हैं। घर जाएं? नहीं नहीं, क्लास में जाके बैठो। सॉरी सर। अच्छा अजय, कॉलेज फेस्टिवल में तू क्या परफॉर्म करने वाला है? वो सब सस्पेंस होगा भाई। ओ कौन सा स्टीवन स्पिलबर्ग डायरेक्टर रखने वाला है? हाय अजय, अजय तू कहां चला? यार होकर आता हूं, छोड़ सुन, मैं भी आता हूं। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कॉलेज फेस्टिवल में हम दोनों मिलकर ड्यूट सॉन्ग पर डांस करेंगे। ड्यूट सॉन्ग तुम्हारे साथ? अगर गलती से भी मैंने रॉन्ग स्टेप ली तो ड्यूट सॉन्ग में मार मार के तू तो मेरी जान ही ले लेगी, जानता हूँ मैं। सॉरी बोलती हूँ ना, तुम मेरे बारे में पूछते तो परवाह नहीं थी, लेकिन तुमने किसी और के बारे में पूछा इसलिए मुझे गुस्सा आ गया, पर अब ऐसा नहीं होगा। अरे मेरी माँ, किसी और लड़की के बारे में नहीं, तुम्हारी फ्रेंड अरुणा को जो ड्रॉप करता है ना, उसके बारे में पूछा मैंने। उसके बारे में जानकर क्या करोगे? करना कुछ नहीं है, बार बार आके जो शोबाजी करता रहता है ना, इसलिए पूछा मैंने। ठीक है मैं पूछ के बताऊंगी, पहले हम दोनों लेकिन ड्यूट सॉन्ग करेंगे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। क्या हुआ? ये है तुम्हारा ड्यूट सॉन्ग? हाँ। सॉन्ग मेरा सिलेक्ट किया हुआ है। हाँ। टेस्टलेस फेलो। क्या बात कर रही है? हाँ सच में। सही है, जाके रिहर्सल कर इडियट। अभी रिहर्सल शुरू भी नहीं हुई तो इतना मार रही है, बाद में कितना मारेगी। बाय बाय। हाँ हाँ बस यही रोक लो। आइए आंटी आराम से। बेटी अंदर आओ ना, कॉफी पी कर जाना। नहीं आंटी प्लीज, अभी मुझे घर जल्दी जाना है, आज बहुत देर हो चुकी है। अच्छा बेटी, थैली तो ऑटो में ही रह गया। ये यहाँ रहता है क्या? ये मेरी माँ के साथ यहाँ क्या कर रही है? अच्छा आंटी अब मैं चलती हूँ। ठीक है बेटी, कभी वक्त मिले तो जरूर आना। ठीक है आंटी, बाय। थैंक यू। ये क्या हुआ, तुम इसके साथ आई हो? वो रास्ते में अचानक मुझे चक्कर सा आ गया, मुझे कुछ पता ही नहीं चला और मैं नीचे गिर गई, तो इस लड़की ने मुझे रिक्शे में बिठा कर यहाँ तक ले आई। ये लड़की बता रही थी कि यही कहीं आसपास उसका घर है। अच्छा? हाँ यही कह रही थी वो, दिल की बहुत अच्छी लड़की है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे प्यारे दोस्तों, इस राज्य के सबसे प्यारे आपके चहेते शिक्षण मंत्री मिस्टर विश्वनाथ केंगेरी जी को हमारे इस कॉलेज और स्टूडेंट्स के जरिए मैं उनका हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ द कलरफुल कल्चरल इवेंट विल स्टार्ट, प्लीज गिव देम अ बिग हैंड। कहाँ चली बुलबुल, जरा मेरे पास तो आ। कांचना कोपवे, ए स्टुपिड, ये नी कन्नड़ती नी या केंगारती, इंग्लिश या कारती येंदु कन्नड़ मातारती, ई कन्नड़ नेला कन्नड़ जला कन्नड़ गाड़ी कन्नड़ अल्ला हे याके येंगैते मैगे
चढ़ चढ़ ताड़ हुई चिड़िया आहा गलती बार यनी सनिया तू अंता उगिदरु नन्ना निन्ने प्रीति माड़तीनी होगे होगम्मा होगे ಬಾಯಿ ತುಂಬಾ ಬೈದರು ನನ್ನ ಮುದ್ದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂತೀನಿ ಹೋಗೆ ಹೋಗಮ್ಮ ಹೋಗೆ ಐ ಹೇಟ್ ಯು ರಾಸ್ಕಲ್ ಟೆಲ್ ಮೀ ಐ ಹೇಟ್ ಮೀ ಕಿಸ್ ಮೀ ಆರ್ ಕಿಲ್ ಮೀ ಓ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಡು ಸಮ್ಥಿಂಗ್ ಟು ಮೀ डियर स्टूडेंट्स, अब जो होने जा रहा है ये कोई परफॉर्मेंस नहीं, ना ही कोई एक्टिंग है, ये एक प्रेजेंटेशन है जो कि इस नेशन का इमोशन का फ्रॉम अजय फाइनल ईयर बीएस। हेलो, सबको मेरा नमस्ते। हमारी जिंदगी में जो भी तकलीफें आती हैं उस वक्त हम सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले को याद करते हैं, लेकिन जब हमारे देश की बात आती है या उस पर कोई आंच आती है तो हम अपने सैनिकों को याद करते हैं। वही हमारे देश की रक्षा करने वाले भगवान होते हैं। और हम सब लोग यहाँ पर अपने देश की सुध भूलकर गाड़ी बंगला पैसा ये सब कमाने की टेंशन में लगे रहते हैं, लेकिन हमारे देश के जवान अपने माँ बाप भाई बहन बीवी बच्चे सबकी सुध भूलकर अपनी जान की बाजी लगाकर वहाँ सरहद पर ठंड धूप बारिश तूफान इन सब की परवाह किए बगैर निस्वार्थ देश की रक्षा में लगे रहते हैं। पर यहाँ पर पब क्लब बार इन सबों में हमारे देश के नौजवान मौज मस्ती करते रहते हैं, उन्हें तो देश की कोई परवाह ही नहीं, लेकिन हमारे देश के नौजवान सैनिकों को हमारे प्राण बचाने की फिक्र लगी रहती है। उन सैनिकों को मैं सैल्यूट करता हूँ। प्रोग्राम तो खत्म हो गया यार, चलो कहीं घूमने आते हैं ना, क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग खड़े खड़े। सब कुछ अच्छे से हो गया, चलो पार्टी करते हैं। हाँ, पार्टी होनी चाहिए। बिल तू देगा, पार्टी मैं दूंगा। हो जाए। ये क्या बोल रहा है? ला 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 परफॉर्मेंस आज बहुत अच्छी थी, चलो उसे चलते विश करते हैं। ये बात है, चलो विश करते हैं। हे अरुणा, हाउ वाज माय परफॉर्मेंस? ऑसम प्रोग्राम, थैंक यू। ए भाई, भाई रुको रुको, मैं आ रहा हूँ। ये क्या हो गया यार? भाई सुनो, प्यार हुआ है तुझे, अरे मेरे भाई प्यार हुआ है तुझे। डाउट हो रहा है मुझे, इस पे डाउट हो रहा है मुझे। अच्छा, तू सचमुच में उसे प्यार करने लगा है? अरे यार, उसको देख करके कौन नहीं उससे प्यार करना चाहेगा, लेकिन उससे लव करने के लिए उसकी लाइन भी तो क्लियर होनी चाहिए। समझ में आ गया मुझे, तेरे प्यार के बीच में उसकी बाइक आ रही है, उसी को उठा लेते हैं। इतना खराब आइडिया तेरे दिमाग में आता कहाँ से है बे? आइडिया सिम यूज करता हूँ ना, इसीलिए। देख, तुझे मैं एक बात समझाता हूँ, हम और तुम बस में घूमने वालों में से एक है, और वो लड़की हाई फाई है यार, वो तो उस लड़के को पसंद करेगी जिसके पास पैसा बाइक बंगला होगा, समझ गया? और हम लोगों को माँ बाप की पसंद से ही शादी करनी होगी। उस बाइक वालों को तूने कभी गौर से देखा है? बहुत रेस लगता है उसको, किसी चीज की कमी नहीं है। मुझे लगता है ये प्यार का मामला तुझे यहीं पर खत्म करना होगा, क्या बोलता है?
हम और तुम बस में घूमने वालों में से एक है, और वो लड़की हाई फाई है यार। वो तो उस लड़के को पसंद करेगी जिसके पास पैसा, बाइक, बंगला होगा। अजय माँ, तू इतना परेशान क्यों है बेटा? ऐसी कोई बात नहीं है माँ। कॉलेज फंक्शन में किसी की नजर लग गई होगी। उतार देती हूँ। चल अब खाना खाते हैं। माँ क्या हुआ? कॉलेज जाने के लिए एक बाइक लेके दो ना। इतने पैसों का इंतजाम करना मुश्किल है बेटा, तुझे तो पता है ना। माँ प्लीज माँ, एक बार पापा से बात करो ना। अच्छा तेरे पिताजी से बात कर तू। चल अब खाना खा। चल आना। खाना। सुनो जी, अजय को कॉलेज जाने के लिए एक बाइक चाहिए, आप दिला देंगे क्या? इतने पैसे कहाँ से आएंगे? बेटी की शादी की है, उसका कर्जा नहीं भर पाए। बाइक के पैसे कहाँ से लाके दूँ? इंस्टॉलमेंट पे दिला दीजिए पापा, पढ़ाई के बाद कमा कमा करके सब भर दूंगा मैं। वैसी बात नहीं है, मेरे ऊपर तेरी और तेरी बहन की बड़ी जिम्मेदारी है। देख, हेल्थ डिपार्टमेंट में मैं एक मामूली सा सुपरवाइजर हूँ, आईएएस ऑफिसर नहीं हूँ। 60-70 हजार डाउन पेमेंट करके हर महीने 3,000 रुपए भरने की मेरी कैपेसिटी तो बिल्कुल नहीं है बेटा। वैसे 6 महीने के बाद इस घर का भी एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा। अगर आगे बढ़ाना है तो उसके लिए भी मुझे पैसे देने होंगे, तभी एग्रीमेंट बढ़ेगा मेरा। कुछ महीने बाद पढ़ाई पूरी हो जाएगी, कोई अच्छा सा जॉब देख लेना, तो फिर सारी जरूरतें तुम पूरी कर सकते हो। हो सके थोड़ा घर का भी ख्याल रखना, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं। देख बेटा, नाराज मत हो, मेरे गले का ये मंगलसूत्र 2 तोले का है, मैं इसे तुझे देती हूँ, तू इसे बेच दे और अपने लिए बाइक खरीद ले। जब तुझे नौकरी लग जाएगी मुझे दूसरा बनवा देना। सॉरी माँ। सॉरी क्यों? आज के बाद मैं पापा से कुछ नहीं मांगू, खुद से कमाऊंगा और खुद की कमाई से बाइक खरीदूंगा। अरे तू यहाँ पे बैठा यार। सॉरी सॉरी, कंटिन्यू। सॉरी हाँ, सॉरी भाई। आज तू लाइब्रेरी में कैसे? उसके बारे में तुमसे बात करने आया हूँ। मुझे पता था तू कॉलेज लाइब्रेरी में मिलेगा। ये सब तो ठीक है, मुझे गीता मिली थी, मैंने उससे बात की। क्या बात किया? अरुणा जिसके बाइक पे आती है, मैंने उसके बारे में पूछा। हाँ अच्छा, तो फिर कौन है? जाने दे, भूल जाओ उसे तू। क्या बात है? दरअसल जाने देना तू। ए, बता ना यार। भाई जैसा तुमने समझा, अरुणा का बॉयफ्रेंड नहीं है वो। तो फिर वो अरे ए, बताता है या कान के नीचे लगाऊं तुझे? वो उसका कजिन ब्रदर है। हाँ? उसका बड़े पापा के बेटा है। Love की feeling, super feeling, मेरी जाना darling, तेरा waiting, तेरी thinking, मेरा जीना loving, मेरी जहाँ तू, मेरा जहाँ तू, मेरी जमीन आसमां तू, मेरी जहाँ तू, मेरा जहाँ तू, मेरी जमीन आसमां तू। Love की feeling, super feeling, मेरी जाना darling।
जुल्फे घटाए जिने ना दे अदाए पलके झुकी झुकी जचती मुझे सांस में है खुशबू बोलो तो लगे घुंघरू सांस में है खुशबू बोलो तो लगे घुंघरू तेरे लिए दोनों जहां मेरे लिए कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं मेरी जहां तू मेरा जहां तू मेरी जमी आसमां तू मेरी जा तू मेरा जहां तू मेरी जमी आसमां तू सलीम की अनारकली रंगीन चंपा कली लाइफ बिंदास जॉली जॉली धड़कन भी तुझे लिख दूं तेरे ही नाम कर दूं धड़कन भी तुझे लिख दूं तेरे ही नाम कर दूं तेरे लिए दोनों जहां मेरे लिए कुछ भी नहीं मेरी जा तू मेरा जहां तू मेरी जमी आसमां तू मेरी जा तू मेरा जहां तू मेरी जमी आसमां तू लव की फीलिंग सुपर फीलिंग मेरी जाना डार्लिंग तेरा वेटिंग तेरी थिंकिंग मेरा जीना लविंग शाम को जल्दी आना ओके सी या बाय बाय अरे ओ हाय आई एम अक्षय हाय आई एम अजय कॉलेज फेस्टिवल में मैंने तुम्हारा प्रेजेंटेशन देखा काफी अच्छा लगा यू आर वेरी गुड थैंक यू सो मच Anyways, nice meeting you and all the best. आप कहाँ रहते हो? अभी मैं मेलबर्न में सेटल हो चुका हूँ. वहाँ एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट था जो फिलहाल खत्म हो गया है. नेक्स्ट वीक वापस जाने वाला हूँ. So, ऑस्ट्रेलिया से वापस आने के बाद मिलेंगे. See you. Take care. भाई, आप तो सुपर हीरो बन गए. कौन मैं? नहीं तो क्या हम लोग? तेरा प्रेजेंटेशन देखकर हम लोग तो बोर हो गए थे ये सब छोड़ो यार अरुणा का कजिन भी तुमसे इम्प्रेस हो गया एक दिन अरुणा भी हो जाएगी ना हेलो जो फीलिंग मुझ में है वही फीलिंग उसमें भी होनी चाहिए ना ऐसा है तो जाकर उसे प्रपोज कर दो प्रपोज हाँ क्या मैंने अपोज कहा क्या अरे मैंने प्रपोज बोला है भाई भाई प्रपोज अपोज क्या मतलब है इसका अबे इसका मतलब एक दूसरे से प्यार करना लव ट्यून हाँ अगर तू थोड़ी देर और रुकूंगा ना तेरा चीता ट्यून बना दूंगा चल यहाँ से निकल चल गामानी पागारे नीसा सुन मेरे भाई प्रपोज बोलो तो नॉर्मल जाकर बात करनी है बस और क्या अरे यार प्रपोज करना मुझे नहीं आता प्रपोज नहीं आता तो क्या हम लोग किस लिए हैं तू मेरी बात सुनना भाई हाँ वन आइडिया बोल अरुणा सामने से आ रही है कहाँ से आएगी तो सोच लो हाँ सोच लो मुंह में गुलाब का फूल पकड़ लेना और एक हाथ में कटारी लेना और सीधा उसके सामने खड़े हो जाना ठीक रूबरू तुम उसे देखते रहना वो तुम्हें देखेगी और तभी तुम प्रपोज कर देना अगर मानेगी तो रोज तेरे बालों में होगा और नहीं मानेगी तो तेरा सर मेरे हाथों में होगा बेटा उसके बाद पुलिस की वैन आएगी और मेरे हाथ में एक स्लेट देके मुझे गोली मार देगी और फिर फोटो चिपका देगी तू समझता है क्या चाकू एसिड इसी तरह का आइडिया देता रहता तू जब तेरे समझ में नहीं आता चुप रहकर तू भाई मेरे पास एक आइडिया है और से सुनना तुम और अरुणा एक ही बस में रोज आते जाते हो वो बस में आगे खड़ी रहेगी और तुम उसके पीछे खड़े रहना
दोनों एक दूसरे को तिरछी नजरों से देखते रहना। तुम्हारे सामने एक टकला आदमी खड़ा रहेगा, उसको एक घुमा के देना। अरे मारना, क्या कर रहा है? हटना। टकला आदमी कहेगा, भाई मुझे क्यों मारा? हाँ हाँ, तू डर मत, तू आगे बढ़। वो आगे किसी को देखकर बड़बड़ाती रहेगी। तू डर मत, उसके पास जाओ, टच कर। अरे टच करना। अरे पागल, ऐसे नहीं, थोड़ा जोर से टच कर। हाँ हाँ, थोड़ा जोर से। अरे वो देख नहीं रही है, थोड़ा जोर से टच कर। हाँ, कितना बकवास आइडिया दे रहा है यार। अगर मैं बस में किसी को टच करूंगा तो पब्लिक मुझे छोड़ देगी क्या? भाई सही बोला तू, पब्लिक तेरी इज्जत का पूरा भाजी पाला कर देगी। तुझसे उल्टी सीधी हरकतें करवाएंगे और तुझे देवदास बना के छोड़ेंगे और तू कहीं का भी नहीं रहेगा, समझा ना मेरे भाई? हाँ सॉरी दोस्तों, डोंट वरी मेरे प्यारे दोस्तों, टेंशन मत लो, डिसन बन करके कैसे प्रपोज करना तुझे मैं सिखाऊंगा मेरे दोस्त। मेरे पास आइडिया, मेरे पास भी एक आइडिया है, चल बोल। फ्रेश होकर, अभी नहीं, कल फ्रेश मूड पे, हाथ में गुलाब लेके उसके सामने जाना और कहना, हाय अरुणा, आई एम अजय, कह के हाथ पकड़ लेना। अगर उसने हाथ नहीं दिया तो हाथ दे या ना दे, उसके हाथ में गुलाब का फूल रख के आई लव यू बोल देना। हाँ हुई तो बाल में फूल लगा लेगी, नहीं तो फेंक देगी। इससे तो ये पता चल जाएगा ना कि उसके दिल में तेरे लिए प्यार है या नहीं है। सुनना, आइडिया अच्छा है लेकिन थोड़ा मुश्किल है, पर ट्राई करो। ट्राई करो। अगर तुम लोगों को प्यार की ट्रेनिंग चाहिए तो ट्यूशन ले लेना। अरे बाप रे, मैं किसी को फोर्स नहीं करता हूँ। क्या आदमी है यार भाई। हाँ? तुम्हारे पास कोई अच्छी रिंगटोन हो तो भेजो ना। दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन तुझे एक ही बात सोचती है, रिंगटोन चाहिए। हाँ? आज तुझे अच्छा रिंगटोन देता हूँ, चल जरा। तो बजरंगबली, ये गुलाब का फूल अरुणा अगर एक्सेप्ट करती और मुझसे लव करने लगे तो आपके इस मंदिर को फूलों से सजा दूंगा। देख रही हो ना, वो कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और रोज मुझे परेशान करता रहता है। आज मुझसे कह रहा है कि मैं उसके साथ अगर फिल्म देखने नहीं गई तो वो मुझ पे एसिड डाल देगा। प्लीज मुझे बचा लो, ये प्यार है? हाथ में एसिड लेके इसे प्यार कहते हो? एसिड डाल के तुम्हें प्यार मिल जाएगा? कभी भी प्यार को प्यार से जीतना होता है, समझे? देखो अभी तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारे पास जॉब नहीं है, जेब में पैसे नहीं है, तुम्हें इसे संभालने की कैपेसिटी भी नहीं है, तुम इसे प्यार कहते हो? ये जो भी ड्रेस लाने को बोलेगी तुम ला दोगे? मैं इसके लिए जान भी दे सकता हूँ। अगर तू इससे इतना ही प्यार करता है तो इसे आई लव यू कहता है, इसे प्रपोज करता और इसके आई लव यू का इंतजार करता, ना कि उसके सामने जाकर कहोगे अगर तुम इसे प्यार नहीं करोगे तो इसे डालूंगा, चाकू मारूंगा। साइड हो जाओ, तुम लोग यहाँ पर क्यों जमा हुए हो? क्या हुआ? देखिए ना, ये रास्कल इससे प्यार करता है, इसने मना किया तो ऐसे डालने आ गया सर। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तूने ऐसा कैसे सोच लिया? तुम्हारे माँ बाप इतनी मेहनत करके तुम्हारे हाथ में बुक थमा के कॉलेज भेजते हैं और तुम एसिड लड़की के फेस पे फेंकने की बात कर रहे हो? तू एसिड एजेंट है क्या? चल कॉलेज में, वहाँ पर 50 टॉयलेट है, उसे साफ करके दिखा। सर ये मुझसे नहीं होगा सर, मैं और वो फेसबुक पे। फेसबुक? क्या फेसबुक? फेसबुक करके तुम सब लोग अपना ईमान बेच रहे हो? तुम लोगों के समझ में आ रहा क्या यहाँ हो रहा है? ए, टेस्ट बुक पढ़ो। सॉरी सर। तुम लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ के रात को कंप्यूटर में नंगी नंगी लड़कियों की तस्वीरें देखते हो, बदतमीज कहीं के। सॉरी सर। क्या सॉरी? सॉरी नहीं और ही नहीं, तुम दोनों कल अपने अपने माँ बाप को लेकर प्रिंसिपल के सामने खड़े हो जाना। मेरी बात समझ में आएगी नहीं तुम दोनों को? डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है जिंदगी में, समझ गए ना? चलो चलो अपने अपने क्लास में, चलो चलो। ए तू उधर कहाँ जा रहा है उसके पीछे? चल उधर जा। फिर से उसके पीछे जा रहा था, नॉनसेंस।
ये ले ना। तू अगर 5 मिनट जल्दी होता ना तो उसकी फिंगरप्रिंट तेरे ही गाल पे छप जाती। तू अपना मुंह बंद रख। क्यों? वो बेवकूफ लड़का अपने हाथ में एसिड लेकर उसे प्रपोज करने चला था, तो कौन लड़की ऐसा नहीं करेगी? ऐसा है तो फिर प्रपोज करना। चुप कर, इस वक्त वो हीट होकर रोस्ट हो गई होगी, और मैं अगर अपना रोज लेकर के जाऊंगा तो वो मुझे भी रोज के साथ रोस्ट कर देगी। ठीक है, तो कब प्रपोज करेगा? नहीं यार, अभी नहीं प्रपोज करूंगा। एग्जाम के लिए मन लगा के पढ़ाई करूंगा और अच्छे मार्क्स ले आऊंगा, फिर कोई अच्छा सा काम ढूंढ करके सेटल हो जाऊंगा, उसके बाद प्रपोज करूंगा। और तेरा प्रपोजल ठुकरा दिया तू? नहीं करेगी तो क्या, लेकिन मेरा प्यार हमेशा सच्चा ही रहेगा। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन पेपर कहीं पाकिस्तान वालों ने तो नहीं छापा? तू इस क्वेश्चन पेपर को इतना उल्टा पुल्टा करके क्यों देख रहा है? कैंसर का एक्सरे देख रहा है क्या? नहीं सर। हाँ? कुछ नजर नहीं आ रहा है, मेरी आंखों से धुंधला नजर आ रहा है सब। दिख नहीं रहा है सर? रात को आंखों में तेल डाल के पढ़ाई की थी, फिर भी नजर नहीं आ रहा है सर। तेल डाल के पढ़ाई की थी? वेरी गुड वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। आज की डेट में इस तरह के भी लड़के मुझे पता नहीं था, तुमने साबित करके दिखा दिया। कहाँ सर? आग दिखा जरा। रात को कौन सा तेल डाला था, खाने वाला या राई का तेल डाला? तिलक तेल सर, वही तेल डाला था। अलग तेल मतलब? ये कौन सा तेल है? डिलक्स रम सर। डिलक्स वाला तेल कहाँ डाला था? दिखा जरा। सॉरी बेटी। ओके। गंदी बदबू आ रही है। चुपचाप एग्जाम दे। सर, क्या हुआ? एक्सक्यूज मी, आपके पास जो है वो दीजिए ना। मेरे पास क्या है? पेन। अच्छा ये ले। क्या हुआ सर? उसका खत्म हो जाए उससे ले लेना। सर सर प्लीज सर। तो ठीक है, ये ले। थैंक यू सर। इस जन्म में तो तू नहीं सुधरेगा। जानता हूँ सर। अबे गधे चुपचाप ले। ओके सर। मालूम है कहता है, इतने साल से लिख रहा फिर भी मालूम नहीं है। अगर ऐसा करेगा तो हिसाब किताब के लिए बैठा दूंगा वाइन शॉप पे। अजय, इस पेपर को देख के तुम्हारे दिमाग में कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन घूम रहे हैं जिनका जवाब नहीं मिल रहा है क्या? नहीं सर, मेरे माइंड में जो सवाल चल रहा है उसका जवाब मुझे कब मिलेगा उसी के बारे में सोच रहा हूँ। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर पेपर में अनाप शनाप मत लिखना, पहले पेपर में जो सवाल है उसका जवाब दे। तेरे दिमाग में जो सवाल घूम रहे हैं। सर क्या आइडिया दिया है आपने मुझे। अब देखिएगा सर, मैं कैसे खोल के लिखता हूँ। एक काम कर, खोल के मत लिख, बाजू में लड़की बैठी हुई है, बंद करके आराम से लिख। अब जल्दी लिख। हाँ जल्दी लिख, चल। सर ये लीजिए। अब तुझे क्या हुआ, एग्जाम को आधा घंटा हो गया, अब तुझे कुछ पूछना है क्या? नहीं सर ऐसा नहीं है। अरे ये क्या, हाँ तूने पूरा लिख दिया? हाँ सर। इतना जल्दी लिख दिया तूने? हाँ सर। पेंडर का फैन है ना इसलिए। देखता हूँ देखता हूँ देखता हूँ। ये क्या, इसमें तो पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, आंसर कहाँ पर है? सर क्वेश्चन तो इजी थे, लेकिन करेक्शन के लिए स्पेस दे दिया हूँ सर। उसे आप जब चेक करेंगे तो आप ही भर देना, जो भी मार्क देना होगा मुझे दे देना। लेकिन सर एक बात बोलूं, पासिंग मार्क जरूर दे देना सर। अच्छा सर चलता हूँ, बाय सर, बाय बाय। अरे अरे कहाँ जा रहे हैं? बेवकूफ कहीं का, कॉलेज के एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर लिखने के बजाय कहता कि पासिंग नंबर दो। आंसर क्या तेरा बाप लिखेगा? माँ। हाँ? जरा यहाँ ना। क्या बात है? मैं BSc में फर्स्ट क्लास पास हो गया हूँ। ये बात है? हाँ माँ। मैंने तो भगवान से मन्नत मांगी थी कि अगर मेरा बेटा BSc में फर्स्ट क्लास पास होता है तो मैं मौन व्रत रखूंगी। इसके लिए ऑलरेडी मैंने काम ढूंढ लिया है। काम मेरे लिए? हाँ तेरे लिए, मेरे फ्रेंड की एक कंपनी में, बहुत अच्छी कंपनी है, कल इंटरव्यू दे देना और बस कल से ही ज्वाइन कर लेना फिर। कल से ही? हाँ कल से ही। देखो अब जॉली लाइफ खत्म हो गई, अब से तेरी जिम्मेदारी वाली लाइफ शुरू हो गई। वैसे तू तो MBA करने वाला था ना, तो MBA के लिए कॉरेस्पॉन्डेंस में अप्लाई कर दे। ठीक है पापा। ठीक है मैं चेक कर लेता हूँ। सर यस, मेरा नाम अजय है। हाँ मैं जगदीश जी का बेटा हूँ।
हूँ। वेरी गुड, तुम्हारे पिताजी और मैं अच्छे दोस्त हैं। तुम यहाँ पर काम करना है उसे अच्छे से करना, तुम जाकर ड्यूटी ज्वाइन करो। थैंक यू सर। ओके। अजय, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बहुत अच्छे से बनाइए। वेरी गुड, कीप इट अप। देखो तुम अभी पढ़ रहे हो, तुम्हारे पास जॉब नहीं है, जेब में पैसे नहीं है, इसे संभालने की तुम्हारी कैपेसिटी नहीं है, तुम इसे प्यार कहते हो? अरुणा, मैं मंजिल के करीब आ गया हूँ। कौन से लड़की को देख रहा है तू? तेरे सामने गाड़ी आ रही है, तू देख नहीं सकता क्या? तू मेरे ही गाड़ी के बीच में। सॉरी सर। तुम अजय हो ना? हाँ हूँ। अरे तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं लोकी हूँ। कौन लोकी? अरे हम दोनों ने साथ में ही पढ़ाई की थी, याद नहीं तुझे? नहीं। स्कूल में पीटी मास्टर के दोनों शूलेस बांध कर उनको मुंह के बल गिरा दिया था, उसके बाद हमें कितनी मार पड़ी थी भूल गया? तिरवोकी। हाँ मैं वही लोकी हूँ, शुक्र है तुझे याद आ गया। कमाल है यार, पहले कैसा था तू और अभी कैसा हो गया? अरे एसएससी के बाद मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, और यहाँ वहाँ भटकने के बाद मैंने एक बार आसमान की तरफ नजर उठा के देखा तो मुझे एक इशारा मिला और मैंने उसे समझ कर पकड़ लिया और उसके साथ आसमान में जाकर चमकने लगा। अरे मैं तो भूल गया, सब बातें इधर ही करेंगे क्या? चल बैठ बैठ, आजा चल चल। मेरे भाई जब रास्ते में चलना है तो थोड़ा देख के चला कर, अगर 2 सेकंड में जल्दी आ गया होता तो मैं तुझे उड़ाई देता। चल अभी रहने दे। तू सोच रहा है ना कि मैं क्या बिजनेस कर रहा हूँ? अरे वही बिजनेस, रियल एस्टेट, लैंड डेवलपमेंट, प्रॉपर्टी सॉल्यूशंस। अच्छा तेरा क्या बिजनेस चल रहा है? बिजनेस करने के लिए पैसे होने चाहिए। बीएससी खत्म करने के बाद मैं अभी बीसीएल कंपनी में काम कर रहा हूँ। बीसीएल हो या आईपीएल हो, मंथली इनकम कितना है? अभी तो 7,000 दे रहे हैं। क्या सिर्फ 7,000? वो तो बस खर्च और खाने पीने में खत्म हो जाएगा, बाकी घर बार के लिए क्या? क्या मतलब? तूने पढ़ाई की बीएससी की और सैलरी है तेरी चपरासी की। मैंने पढ़ाई की एसएससी, लेकिन फिर भी मेरे कार में है एनी टाइम एसी। बस इसी का नाम जिंदगी है। देख भाई, अभी के जमाने में सब डिग्री वेस्ट है, सब दिमाग का पैसा है। माइंड यूज करेंगे तो अपने आप पैसा बनता चला जाता है। वैसे पैसा कमाने के लिए डेयरिंग होना बहुत जरूरी है। मेरे बिजनेस में मुझे तेरे जैसे ही एक अच्छे आदमी की तलाश है। देख हर महीने में तुझे 20,000 से 25,000 पगार दूंगा, और उसके अलावा अगर तूने अच्छा काम किया तो 20% कमीशन भी मिलेगा, जो भी तेरा बनता है। एक बार ठीक से सोचना और सीधा लैंडमार्क के यहाँ आ जाना। लैंडमार्क के यहाँ? लैंडमार्क मेरे ऑफिस का नाम है मेरे भाई। एक बात सुन, मैंने एक बार लैंड को मार्क कर दिया तो डील डन हो जाती है। ये रहा मेरा कार्य, कल मेरे ऑफिस आकर मुझसे मिल लेना। ठीक है भाई, बाय बाय। हेलो कंट्रोल रूम, हम उसी रास्ते पे। जल्दी, नहीं छोड़ना इसे। चलो जल्दी, कमान कमान। अरे छोड़ना नहीं है उसे। अरे जल्दी चलो यार, उसे नहीं छोड़ेंगे आज, पकड़ो इसे। जल्दी चलो, उसका पीछा करो, उसको छोड़ो मत, उसके पीछे रहो। चलो जल्दी चलो। Hey!
निकल गया। हेलो कंट्रोल रूम, कंट्रोल रूम। सुनो, हर कमरे के चित्र से तलाशी लो, वो बचकर कहीं नहीं जाना चाहिए। कम ऑन सर्च। ये सब क्या है इंस्पेक्टर? आपको कौन चाहिए? अजय आपका लड़का है? हाँ जी, वो मेरा ही लड़का है। वो एक आदमी को शूट करके वहाँ से भाग निकला है। हाँ? नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। लक्ष्मी तुम चुप रहो, घबराओ मत। इंस्पेक्टर आपके पास कोई प्रूफ है? मेरे पास अरेस्ट वारंट है उसका। सर हमने उसे हर तरफ ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिला। शिट। देखिए आप अपने बेटे से कहिए को अपने आप को पुलिस स्टेशन में आके सरेंडर कर दे, हो सकता है उसकी जान बच जाए। अगर इसी तरह क्रिमिनल लोगों की तरह भागता रहा तो मेरे हाथ उसका एनकाउंटर हो जाएगा। कम ऑन। ये क्या जी, ये लोग क्या बोल रहे हैं? अजय का एनकाउंटर करेंगे, ऐसा क्यों बोल रहे थे ये लोग? तुम जैसा सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। देखो मैं अपने वकील के साथ पुलिस स्टेशन जाकर सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ, तब तक तुम हिम्मत रखो। अजय का कुछ नहीं होगा, तुम इतनी टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। कितनी अजीब बात है ना, हम दोनों बिजनेस पे ही मिलते थे पार्टनर की तरह, कभी हमें पता भी नहीं था कि हम दोनों आपस में सब्जी भी बने। ये बात तो मुझे भी पता नहीं थी, लेकिन आपकी बात सुनकर तो मुझे बहुत ही खुशी हुई। जितनी खुशी तुम्हें हो रही उतनी मुझे भी हो रही है, आखिर मेरी बेटी तुम्हारे घर की बहू बनने जा रही है। गिरजा बुला ना उसको। बेटी आ जाओ। वहाँ बैठ जाओ। हाँ, बेटा बैठो। चलो पियो ना। हाँ क्या कहते हो बेटे, ओके है ना? ओके। हाँ भाई मंजुनाथ। हाँ जल्दी से पंडित को बुला के शादी का मुहूर्त निकलवा लेते हैं। अंकल एक मिनट, क्या मैं इनसे थोड़ी बात कर लूं? थोड़ी बात क्यों बेटा, पूरी बात कर लो। बेटा ले जाओ। बेटी जाकर बात कर लो। अरुणा एक्चुअली एक मिनट, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ओके। क्या तुम अजय से प्यार करती हो?
मुझे यकीन नहीं हो रहा। जब अजय को मैंने पहली बार देखा तभी मैं उससे इम्प्रेस हो गई थी, और जब मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हुआ तो मुझे फोन आया था और मैं अपने पिताजी को देखने हॉस्पिटल गई थी। डॉक्टर, अब मेरे पिताजी कैसे हैं? He is out of danger. Thank you, doctor. मुझसे thank you कहकर तो आप सिर्फ formality पूरी कर रही हैं। Thank you उनसे कहिए जिन्होंने इन्हें hospital में लाया, उनको अपना खून दिया और उनका treatment कराया। कौन है वो? कहाँ है वो? वो यहीं पर है। आइए। Thank you sir, आपने बहुत अच्छा काम किया है। Madam, वो रहे। Excuse me. मैं फिर कभी उसे देख पाऊंगी ये मुझे पता नहीं था, लेकिन लकली मैंने उसे अपने कॉलेज में देखा। फिर मैंने उसके स्वभाव, उसके बात करने के ढंग को देखा, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। इस तरह मैंने कितनी बार उनको बस में देखा, उन्होंने भी मुझे देखा और मैं उनसे अट्रैक्ट हो गई, या फिर इसे अफेक्शन कह लो। कॉलेज फेस्टिवल में मैंने उनकी बातें सुनी और मुझे उनसे प्यार हो गया। मैंने जो गुण अपने जीवन साथी के लिए सोचे थे वो सारे गुण अजय में हैं, इसलिए मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। अरुणा ने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई? अजय से वो प्यार करती है और हमें बताया भी नहीं? अब हम ये बात अजय को कैसे बताएंगे? अजय भी तुमसे बहुत प्यार करता है। तुम्हें तभी इजहार करना चाहिए था। नहीं विनय, उस दिन मैं अपने प्यार का इजहार करने गई थी कि अभी प्रपोज नहीं करूंगा, पहले मन लगा के पढ़ाई करूंगा और अच्छे मार्क्स ले आऊंगा, फिर उसके बाद कोई अच्छा सा काम ढूंढ करके सेटल हो जाऊंगा, उसके बाद ही प्रपोज करूंगा। वो मुझे प्रपोज करने के लिए फूल लेकर आए तो थे, लेकिन वो फूल उन्होंने भगवान के चरणों में रख दिया। हेलो, जो फूल तुम्हें प्यार की देवी को देना चाहिए उस फूल को कैंटीन के भगवान को दे रहे हो। उस फूल को जहाँ समर्पित होना था हो गया। तू चल यहाँ से। हे माता, पता नहीं इसका क्या होगा। अजय, तुम मुझसे जितना प्यार करते हो ना, मैं भी करती हूँ। आई लव यू सो मच, आई विल वेट फॉर यू। अजय एक दिन आएंगे और मेरे प्यार का इजहार करेंगे, ऐसा मैंने सोचा था। पर मेरे माँ बाप मेरे रिश्ते की बात कर रहे हैं, कल मेरे घर लड़के वाले आए थे, पर मुझे ये शादी पसंद नहीं है। ऐसा लड़के से मैंने डायरेक्ट कहकर इस शादी को अवॉइड कर तो दिया है, पर अब अगर अजय को अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाई तो मेरे घर वाले मेरी शादी उसी लड़के से करा देंगे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ क्या नहीं। मुझे अजय चाहिए, अब मैं अजय के बिना जिंदा नहीं रह सकती। प्लीज विनय, मेरी मुलाकात करा दो प्लीज। ओके, वो अभी बिजनेस कर रहा है और बहुत बिजी भी है, मुझे उससे मिले हुए काफी दिन हो गए, और तो और उसने घर भी बदल दिया, मोबाइल नंबर भी चेंज किया। कोई बात नहीं, उससे मिलके बात करके तुम दोनों को मैं मिला के रहूंगा, ठीक है ना? हे भगवान, ये गाड़ी लेकर तो मैं पछता रहा हूँ यार, हर बार परेशान करती रहती इसकी तो। थू, ओए कोई है क्या? हे भगवान, क्या है? कुछ नहीं, पंक्चर हो गई है भाई। हाँ? पंचर की दुकान में तुझे कोई पिक्चर दिखाएगा क्या? सॉरी सर, कितना वक्त लगेगा? आगे का या पीछे का? पीछे वाला। आधा घंटा लगेगा, बनाओ कि नहीं बनाओ? अब आ गया हूँ तो बना ही दे भाई। क्या बनाओ? ये पंचर को। हाँ बनाता हूँ, रुक जरा। बाप रे, डेंजर है। गीता का घर यहीं कहीं आसपास है, फोन करके पूछ ही लेता हूँ। हेलो। हाय गीता, विनय बात कर रहा हूँ, कैसी हो? गीता कहीं ड्यूटी के सिलसिले में बाहर गई हुई है। ड्यूटी पर गई है? ओ, उसकी माँ बात कर रही होगी। आंटी, मैं गीता का फ्रेंड बोल रहा हूँ।
आपके घर के पास आया था इसलिए फोन किया मैंने। अरे तुम उस घर में क्या करने गए थे? उस घर पर तो रेड पड़ी है। रेड पड़ी? वो घर खाली करके यहाँ आ गए हैं। वैसे तो उस घर पर बहुत अच्छा धंधा चल रहा था, पता नहीं किस नासबिटे ने पुलिस कंप्लेन कर दी। धंधा? लगता है रॉन्ग नंबर लग गया। आंटी आपका लास्ट नंबर 6-8 ही है ना? नो ये तो 16-16 मसाज पार्लर। तेरी तो हेलो ये ए सर्टिफिकेट पार्लर वाली है। ए सुन, तेरा पंचर बना दिया क्या है? क्या बात कर रहा है, मेरा पंचर नहीं भाई, मेरी गाड़ी का पंचर। हाँ वही बना दिया है, ला 50 रुपए। चेक दो तो चलेगा? कैश मिलने तक तुझे अंदर बांध के रखा तो कैसा लगेगा? ठीक है देता हूँ। डोंट वरी, मिल गया, ये लो भाई। थैंक यू। चलो भागो जल्दी से। चेक बोलता है देगा, चकली खाने के भी पैसे नहीं है इसके पास। अब इसको कौन बताएगा कितने लोगों का पंचर बनाया है मैंने। अजय, हेलो अजय। हेलो आंटी। हेलो, और सुनाओ विनय कैसे हो? मैं ठीक हूँ आंटी, बैठो ना। थैंक यू। अजय नहीं दिख रहा। क्या हुआ, आप परेशान लग रही हैं? सब यही कह रहे हैं कि मेरे बेटे ने किसी को शूट करके उसे मारने की कोशिश की। मर्डर कैसे? हमें 2 हफ्ते ही हुए हैं इस घर में शिफ्ट किए, अजय का फोन आया था, उसने कहा कि वो जहाँ पर है पूरी तरह सेफ है, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। उसका पुराना नंबर स्विच ऑफ है, कोई नया नंबर है? उसने एक नया नंबर लिया है, मैं तुम्हें देती हूँ, तुम बैठो मैं लाती हूँ। ठीक है। क्या हुआ होगा, कहाँ होगा इस वक्त? विनय बेटा ये लो नया नंबर। थैंक्स आंटी। शिट, ये नंबर भी स्विच ऑफ है। क्या करूं, एक आइडिया है। आंटी मैंने मैसेज कर दिया है, अगर उसका फोन आए तो अर्जेंटली मुझसे मिलने के लिए कहिए, मैं भी ट्राई करता रहूंगा। अच्छा बता दूंगी। ठीक है। इस वक्त वो कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा? तुम्हें अजय के बारे में पता चले तो बताना बेटा। धीरज रखिए आंटी, मैं हूँ ना, आप कोई चिंता मत कीजिए। मैं चलूँ फिर? एक को शूट करके यहाँ रिसोर्ट में रेस्ट कर रहा है तू, भागने की कोशिश की ना सीधा एनकाउंटर कर दूंगा, समझा? माँ, एक जगह खड़े रहकर काम होता है क्या? जाके अंदर कारपेंटर का काम देखो। ठीक है साहब। हे अजय, कहाँ हो तुम? फिलहाल तो मैं बहुत दूर, अर्जेंट कॉल कर ऐसा मैसेज क्यों किया तुमने? वो फोन पर नहीं बता सकता, तुम अर्जेंटली मुझसे मिल लो फिर बताता हूँ। ठीक है, मैं तुझे फोन करके बताता हूँ हमें कहाँ मिलना है, फिर वहीं पर बात करते हैं। अरुणा मुझसे इतना प्यार करती है? हाँ मेरे भाई, उसे शादी के लिए एक लड़के का रिश्ता आया था, लेकिन उसने साफ साफ मना कर दिया, ये कह के कि वो तुझसे दिलो जान से मोहब्बत करती है, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरी बात मान ले, उससे एक बार बात कर ले, बहुत खुश हो जाएगी वो। ये फोन ले। नहीं यार, मैं इस कंडीशन में अगर उससे बात करूंगा तो वो मुझसे नाराज हो जाएगी। ओके
कैसे हुआ बता? देख भाई, यही हमारा नया प्रोजेक्ट है। हाँ। इसी प्रोजेक्ट पर हमें काम करना है। इस प्लान को ठीक से पढ़ लेना, ओके? लाखों का हिसाब किताब है, जरा भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। एक मिनट। गणेश सर, अजय को सारी डिटेल्स दे देना। ओके सर। गणेश तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा, सारी जानकारी हासिल कर लेना ठीक से, ओके? ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ये लो लोगी। क्या भाई, ये एडवांस है क्या? हाँ। अच्छा काम कर रहे हो तुम बिजनेस में। ये ले तेरा कमीशन। हाँ? मेरा कमीशन? ये तो कुछ नहीं है, इतने सारे पैसे। हाँ, इसके आगे देखता जा और क्या क्या होता है। अरुण, मैं अपनी मंजिल के बहुत करीब हूं। अजय, हाँ? परसों वो लिटिगेशन के प्रॉपर्टी पर हम लोगों ने जो प्लान बनाया हाँ? था, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं यार, चल जाकर देख के आते हैं। हाँ ठीक है, चल। ए, सुनो, सारा काम एक हफ्ते के अंदर हो जाना चाहिए और चारों तरफ ये बाउंड्री मत रखना, पूरा कंपाउंड कंप्लीट हो जाना चाहिए। एक हफ्ते का टाइम दिया है, समझ गए ना? ठीक है। ए, मेटा, मैंने इस प्रॉपर्टी को लीगली खरीदा है, लैंडलॉर्ड से सारी डॉक्यूमेंट्स क्लियर करके उसके पेपर लाया हूँ मैं। ये देख, तेरे पास इस जमीन के कुछ कागजात हैं तो लेके आ, ये प्रॉपर्टी मेरी है, समझा? सुना, मेरे पास भी इसके पूरे कागजात हैं। तू जब बोलेगा कागजात दिखा दूंगा, इतना बेवकूफ हूँ क्या? मैंने भी इस जमीन को पैसे देके खरीदा है। ए, जितना बोल रहा हूँ उतना सुन, चुपचाप पेपर दिखा और यहाँ से निकल ले। ए, अबे तू क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? जो भी मेरे सामने प्रॉब्लम क्रिएट करने आता है ना, वो खुद प्रॉब्लम बनकर सॉल्व होकर चला जाता है, समझ गया? तू फील्ड में लोगों को मार पीट के धमका के मार्केट में अच्छा काम कर रहा होगा। सोच ले जरा, अगर मैंने तुझे मार दिया तो मेरा 10 का अकाउंट 11 हो जाएगा और मैं मार्केट में पहले से भी ज्यादा फेमस हो जाऊंगा, शहर में मेरा राज होगा। देख, तुझे समझा रहा हूँ, ये जमीन हमने लीगल तरीके से खरीदी है, इसलिए ये जमीन हमारी हुई, समझ गया ना तू? अगर तूने ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की तो तुझे इसी जमीन में गाड़ दूंगा। ए, इन दोनों का बहुत नाटक हो गया रे, इनको अपना हिसाब दिखाना पड़ेगा। लोके पीछे आ जा। ए, अरे आओ, मारो इनको। इसकी तो Loki!
होगा। हिम्मत कर, कुछ नहीं होगा लोकी, तुझे लोकी 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 तुझे कुछ नहीं होगा। लोकी 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 तुझे कुछ नहीं होगा, चल चल कार में चल जल्दी, लोकी तुझे कुछ नहीं होगा, मैं हूँ तेरे साथ, हिम्मत कर। हेलो पुलिस स्टेशन, लोकी तुझे कुछ नहीं होगा, मैं तेरे साथ हूँ, लोकी लोकी हिम्मत रख। तुझे कुछ नहीं होगा लोकी, डॉक्टर जल्दी प्लीज, अजय लोकी, अजय लोकी तुझे कुछ नहीं, मैं हूँ तेरे साथ, मेरी बात सुनो, मैं तेरे साथ हूँ लोकी, रुको एक मिनट रुको, मतलब लोकी सुनो अजय, मेटा के लोग कुछ भी कर सकते हैं, जो मैं तुझे बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुन ले प्लीज, मेरी वाइफ, मेरी माँ और मेरे बच्चे, उन्हें कुछ नहीं होगा, तू टेंशन मत ले प्लीज अजय, तुझे कुछ नहीं होगा, तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना यार डॉक्टर, कम ऑन पेशेंट को अंदर लाओ, जल्दी करो जल्दी जल्दी करो डॉक्टर, हेलो अजय सर, मैं मधु ऑफिस से बात कर रहा हूँ, वो मेटा के लोग ऑफिस में आए थे, ऑफिस में आकर तोड़ फोड़ करके सारे डॉक्यूमेंट्स ले गए, सर लोकेश सर को शूट आपने किया है, ऐसा कंप्लेंट मेटा के लोगों ने किया है, पुलिस आपको चारों तरफ ढूंढ रही है, आप जितनी जल्दी हो सके वहाँ से निकल जाओ, कहीं दूर चले जाओ, पुलिस पहुँचती होगी। जल्दी आइए जल्दी बैठिए आराम से, आइए जल्दी चलिए चलिए, ये लीजिए पैसे, आप घर पे ही रहिएगा, कहीं बाहर मत जाइएगा, होशियार रहिएगा। रियल एस्टेट बिजनेस आसान होता है, मैंने समझा था लैंड बेचकर पैसे कमाना आसान है, लीगल इनलीगल लिटिगेशन वर्क, यहाँ तक कि गुंडों से भी भिड़ना पड़ता है यहाँ, और वहाँ मेरी अरुणा मेरे लिए अपने दिल में कितना सारा प्यार लेकर के बैठी, और मैं यहाँ मुजरिमों की तरह पुलिस वालों से छुपता हुआ इधर उधर भाग रहा हूँ। अरुणा भी मुझसे प्यार करती है, जाने बगैर ही मैंने ये सोचा कि सेटल होने के बाद ही उसे प्रपोज करूंगा, लेकिन मैं गलत था, नहीं करना चाहिए था मुझे गलत काम, साला बैड टाइम चल रहा है मेरा।
साला प्रपोज करने के लिए मैंने एग्जाम में दिल लगा के पढ़ाई की, फर्स्ट क्लास पास हो गया मैं। प्रपोज तो छोड़ दे, दो मिनट बात भी नहीं कर सकता मैं। बैड टाइम। उसके बाप को मैंने एक बोतल रेडिंग दिया, यानी ब्लड दिया, और भगवान ने भी लिंक बना दी, फिर भी मैं बात नहीं कर पाया। बैड टाइम। मेरी इन्हीं अच्छाइयों की वजह से उसने मुझसे प्यार किया। सच में वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। अगर उसी वक्त उसने मुझे प्रपोज किया होता तो आज मेरे हाथ में ये नहीं होती। मेरे पिताजी ने मुझे जहाँ काम पर लगाया था, परिंदों की तरह उड़ता अगर वहीं होता, लेकिन उस बोकी की बात सुनकर चिकन की तरह मेरी लाइफ हो चुकी है। कौन कब किसकी सजा भुगते, वाला ये भी बैड टाइम। कौन सा बैड टाइम चल रहा है? अगर वो मुझसे पूछेगी तो उसे क्या जवाब दूंगा मैं? एटलीस्ट एक बार फोन तो कर। अजय। मैं ठीक हूँ अजय। ए रुक जाओ। वो मुझे एक आदर्शवादी इंसान की तरह दिल में रखी है। मैं उसकी नजर में गिरना नहीं चाहता। मैं उससे नहीं मिलूंगा और बात भी नहीं करूंगा। I love you और ना। जब प्यार था तो पैसा नहीं, अब पैसा है तो प्यार नहीं। अब इन पैसों से प्यार थोड़ी ना खरीद सकता हूँ। ये भी सलाह बैड। गिरजा। हाँ? थोड़ा पानी लेके आओ ना। अच्छा लाती हूँ। अरु। हाँ? अरु बेटा कहाँ हो? आ रही हूँ पापा। क्या बात है, ऑफिस से जल्दी क्यों आ गए आप? कोई खास बात नहीं है, ऑफिस में एक नए प्लान के लिए मीटिंग रखी गई थी। मीटिंग जल्दी खत्म हो गई तो मैं घर जल्दी चला आया। ये अच्छा हुआ, दिन भर मीटिंग और विजिटिंग के चक्कर में घर लेट आते हो। अब जब जल्दी आ गए हो तो थोड़ा रेस्ट कर लो। अब क्या, अब तो 15 दिन के लिए रेस्ट मिला है। क्या 15 दिनों के लिए? लेकिन अचानक इतनी छुट्टी क्यों? कुछ नहीं, हमारी कंपनी को इस महीने अच्छा बिजनेस मिला है, इसलिए कंपनी ने हमारी पूरी फैमिली को बाहर टूर जाने की टिकट दिया है। उत्तर भारत के सारे मंदिरों के दर्शन के लिए हमें कंपनी ने मौका दिया। ऑफिस जाके काम धंधे में बिजी हो गया था मैं, इसी बहाने थोड़ा घूम करके आ जाएंगे, थकावट दूर हो जाएगी। क्यों बेटी? बहुत अच्छा रहेगा। नहीं माँ, मेरा मन नहीं है। क्या बोली बेटी? हम 3 लोगों का टिकट है टूर पे जाने के लिए, हम 2 लोग जाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। नहीं पापा, आप लोग जाओ। हम 2 लोग जाएंगे तो हमें तो नहीं अच्छा लगेगा। तुझे पसंद नहीं है तो हम दोनों में से कोई नहीं जाएगा, टूर कैंसिल, ठीक? अरुणा, इन सब जगहों पर जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, यही तो तेरे घूमने फिरने की उम्र है। तो ठीक है, तुझे पसंद नहीं तो मत आ, हम दोनों तो जरूर जाएंगे। ठीक है, सब साथ चलेंगे। अब तो आप लोग खुश हो ना? क्या बोलते हो भाई? क्या बोलते हो, बहुत दिनों के बाद। बताओ यहाँ कैसे आना हुआ? अरे भाई, एक जोड़ी कपड़ा खरीदने आया था। हाँ? क्या महंगा है। हाँ? इसीलिए तो मैं मॉल के चक्कर में पड़ता नहीं हूँ, मैं जा रहा हूँ फैशन स्ट्रीट। इतनी सी बात के लिए वहाँ जाना अच्छी बात है क्या? इधर देख, हाफ प्राइस सेल है। हाफ रेट तो लिखते ही है लोग, लेकिन पहले से 100 रुपए की चीज को 200 रुपए लगा देते हैं। बात तो वही हुई ना, वो उन लोगों का काम है। हाँ? वो लोग ऐसे ही बोलते हैं, उनका नहीं सुनने का। क्या बात कर, मोल भाव करने का ना। हाँ? उसके लिए टॉयलेट, टॉयलेट चाहिए। ए, क्या हुआ? अबे टॉयलेट नहीं, टैलेंट, टैलेंट। वही तो कह रहा था मैं, वही चाहिए। मेरी जान पहचान में एक दुकान है, वहाँ सस्ते कपड़े मिलेंगे, चलो चलते हैं। चल। पेंसिल फिट, नैरो फिट, कंफर्ट फिट, ये सारी वैरायटी मैंने आपके सामने रख दी है। आपको कौन सा पसंद है वो बता दीजिए, मैं सही रेट लगा के बता दूंगा। हमारे पास रेंजी तो नहीं है। भाई तू रेंज में बात करना। सर ये कितने का है? ये तो सिर्फ 2999 का है।
2999 वेरी गुड सर, सुपर सर, सुपर। ये अच्छा रहेगा ना? सर पैक करूं क्या सर? नहीं, इससे कम वाली रेंज दिखाओ। सर ये सिर्फ 1999 1999 वेरी गुड वेरी गुड। ये बहुत अच्छा लग रहा है। इसे भी पैक करूं? नहीं, इससे भी कम वाले रेंज दिखाओ। कैसे कैसे ग्राहक आ जाते हैं यार, लेना कुछ नहीं होता, बस दिखाओ दिखाओ करते रहते। दिखा रहे हैं सर, जस्ट 999 वंडरफुल 999 यही तो हम ढूंढ रहे थे। सुपर सर। सर इसे ना पैक करने का नहीं है। सर थोड़ा कम वाला रेंज दिखाओ। अरे भाई बहुत दिमाग खा लिया इसका। अब अगर थोड़ी देर और रुके तो चप्पल से मारेगा वो हमें। हेलो, मैं गधा बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं शेर हूँ। शेर हूँ ये प्रूव करके रहूंगा, देख लेना। सर पूरी दुकान देख लिया, ये लास्ट पीस है। जस्ट ट्रिपल वन। देख लिया तुमने, मिल गई ना सही चीज। इसको इस दुकान में मैं लेके आया सर। सबसे कम रेंज वाला यही है। मैडम एक 111 का बिल बना देना। अब मैं क्या करूं? विकी को फोन करती हूँ। हेलो। हेलो, मैं अरुणा। अजय मिला था क्या? काम के सिलसिले में बाहर गया है, कुछ दिनों में वापस आएगा। कुछ दिनों में? अच्छा एक बात सुनो। कल मैं नॉर्थ इंडिया ट्रिप पे जा रही हूँ अपनी पूरी फैमिली के साथ। तुम आराम से जाकर आओ, जैसे ही वो मिलेगा ना मैं मेरे ही फोन से उससे बात करा दूंगा। तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगी मैं। ओके बाय। हाँ यहीं पे, यहीं यहीं। चलो भी। देखिए मिस्टर अजय, फायरिंग केस का अरेस्ट वारंट है, मैंने तुम्हारे बेल के लिए अप्लाई किया है। बेल मिलने तक अगर गलती से तुम किसी पुलिस के हाथ लग गए तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम होगी। तुम कुछ दिनों के लिए अगर बाहर रहोगे तो तुम्हारे लिए वो सबसे बड़ी अच्छी बात होगी, बेल मिलने में भी ज़्यादा मदद होगी। हाय अरुणा। हाय। कैसी हो तुम? फाइन। हैप्पी जर्नी। थैंक यू। शादी है क्या? हाँ बेटी, निकलने से पहले मेरे दोस्त ने फोन किया था कि मेरे बेटे की शादी है और वैसे भी हम आ चुके हैं तो शादी अटेंड कर लेंगे। ड्राइवर लगेज लेके आओ। जी सर। चलो बेटे। नमस्ते। नमस्ते। हेलो। हेलो अंकल। हाय अरुणा। हाय, आप यहाँ पर, आपकी शादी है क्या? हाँ। अब पापा ने कहा था उनके फ्रेंड के बेटे की शादी है, यहाँ तो आपकी शादी हो रही है,
क्या पापा? एनीवे, आई विश यू अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक यू। आपकी मंगेतर कहाँ है? यही है। ये तो मुझे पता है यही है, पर कहाँ पे? मेरी आंखों के सामने। क्या मतलब? इसमें परेशानी की क्या बात है? तुम ही तो हो। Are you joking? I'm serious. No! माँ, ये क्या है? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? बेटा, यहाँ नहीं बात करते। बहुत सारे लोग। पापा। चलो ना अंदर। पापा। चलो बेटा अंदर बात। ये सब क्या हो रहा है पापा? ये लो बेटी, ये साड़ी और गहने पहनकर तैयार हो जाओ। नहीं, ये सब नहीं पहनूंगी मैं। आपने कहा था भगवान के दर्शन करेंगे, तीर्थ स्थान घूमेंगे, अब मेरी शादी करा रहे हैं, ये सब क्या है? देखो बेटी, तुम्हें सरप्राइज देना था इसलिए हम लोगों ने ऐसा किया। कितनी हिम्मत है तुझमें। जो लड़का तुझे पसंद करने आया था, तूने उसी से किसी और लड़के के बारे में कह करके उसको वहां से रवाना कर दिया। उस वक्त हम माँ बाप के ऊपर कितना दुख पहुंचा होगा। कभी सोचा तुमने इसके बारे में? मैं सारी बातें आप लोगों को बताने वाली थी, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने मेरी शादी किसी और लड़के से तय कर दी। मैं अजय से प्यार करती हूँ, वो बहुत अच्छा लड़का है पापा, और उसके बिना मैं जी नहीं सकती। मुझे अजय चाहिए। प्लीज पापा, इस शादी को रोक दीजिए। माँ, आप तो समझो। अरुणा, तो हमें समझने की कोशिश कर, तैयार हो जा। देखो बेटा, अगर ब्रह्मा भी आकर कहेंगे तो मैं शादी नहीं रुकाऊंगा। प्यार के चक्कर में पड़ के कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। 2 दिन बाइक में, 4 दिन कॉफी डे में, और 2 दिन मॉर्निंग शो में, 4 दिन शॉपिंग में। बाद में क्या करूंगी? इतने में तुम्हारी लाइफ खत्म है। देखो, तुम मेरी इकलौती बेटी हो और तुम्हारा भविष्य अंधकार में ना हो, इसलिए हम तुम्हारा भला चाहते हैं। अच्छा, आप मेरी ऐसी जगह शादी करवा रहे हैं जहाँ मेरी मर्जी ही नहीं है। इस शादी के बाद हर रोज मैं मरती रहूंगी, तब तो आप खुश रहेंगे ना पापा? बोलिए ना पापा। प्यार हमेशा ही गलत होता है, ऐसा आपसे किसने कहा पापा? कुछ भी हो जाए, मैं शादी नहीं करूंगी। तुम्हारी बकवास सुनने का टाइम नहीं है, मुहूर्त निकला जा रहा है शादी का। देखो बेटा, तुम्हें शादी करोगी, अगर तूने ज्यादा जिद की तो हम दोनों की चिता इस पूरे क्षेत्र में जलकर राख हो जाएगी। अब जो ठीक लगे वैसा कर। अरुणा, अगर तुझे लगता है कि तेरी खुशी में तेरा भला है तो जो मन में आए कर, लेकिन हमारी इज्जत का भी ख्याल रखना। इसे रेडी करके बाहर लेकर आइए। ठीक है मैडम। नमस्ते। एक मिनट जी। ये लड़की, तुमने मेरा कमरा साफ किया? जाओ, जल्दी से जाके मेरा कमरा साफ कर दो। No.
ऐसी परिस्थिति में एक औरत पर क्या बीतती है तुमसे बेहतर कौन जान सकता है माँ। ऐसे पावन स्थल पर मुझे लाकर मेरे प्यार का गला घोटने की सोच रहे हैं ये लोग। अब तो बस माँ तेरा ही सहारा है, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है। मुझे मेरा प्यार चाहिए माँ, तेरा आशीर्वाद चाहिए माँ। माँ मेरी भावनाओं को समझो, मैं किसी और के नाम का मंगलसूत्र अपने गले में नहीं पहन सकती। तुम्हारी तरह मेरा प्यार भी पवित्र है। अच्छा मुझे माफ कर देना। जान से भी ज्यादा तुम्हें प्यार करती हूँ। अगर तुम मुझे नहीं मिले तो मेरे जिंदा रहने का क्या फायदा? अगर मैं जिंदा रहूंगी तो मेरे घर वाले कभी ना कभी मुझे ढूंढकर मेरी शादी उसी लड़के से करवा देंगे। इसलिए मैंने जान देने का इरादा कर लिया। आई एम सॉरी। हम जितने नजदीक थे उतने ही दूर थे, लेकिन हम दोनों के दिल उतने ही करीब थे। जैसे रोज सूरज की किरणें उगती हैं, वैसे ही मैं रोज तुम्हें कॉलेज में देखता था। रोज मेरे ख्वाबों में आने वाली तुम। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगा था, लेकिन अपनी फीलिंग्स को कभी तुम्हें बता नहीं पाया। अजय, मैं जब प्रपोज करने आई थी तो तुम्हारी लाइफ सेटल होने के बाद तुम मुझे प्रपोज करोगे उस वक्त का मैं इंतजार कर रही थी। वो वक्त आने वाला ही था, लेकिन आने से पहले ही जिंदगी ने कुछ अलग ही मोड़ ले लिया। शायद हम दोनों के नसीब में मिलने का सही समय अब आया है ना अजय। हम दोनों के लिए एक दूसरे के दिल में इतना प्यार है, लेकिन कभी कह नहीं पाए। I love you अजय। आज के बाद तुम मुझे कभी छोड़ के मत जाओ। I love you too। यहाँ का क्लाइमेट, हाँ, क्लाइमेट कितना कोल्ड तो है ना। वाव। साउथ में तुम्हारी लव स्टोरी साइलेंटली शुरू हुई, फिर सभी स्टेशन क्रॉस करके नॉर्थ में भी नॉनस्टॉप दौड़ रही है। ग्रेट, रियली ग्रेट। तू ही है क्या इसका दिल चुराने वाला अमर प्रेमी? इस प्रेमी को अमर करके इसकी प्रेमिका को उठा लो। जाओ। ए, जिन आदमियों को दारू और बिरयानी देकर के लाया उन्हें वापस भेज दे, और जो तेरे लिए अपनी जान दे सकते उन्हें आगे भेज दे। कुत्ते की औलादों, खड़े खड़े देख क्या रहे हो? जाओ उठा के लेके आओ। ए, साले, क्या लफड़ा कर रहा तू यहाँ? Hey!
अपना हाथ दो। नहीं, मरने दो इस पापी को अजय। जब मुझे देखने आया था तब भी इसने ऐसा ढोंग रचाया। मेरे माँ बाप के साथ प्लान करके मेरी शादी रचाई थी इस इडियट ने। मरने दो इसे। चलो हम चलते हैं यहाँ से। ऐसी बात नहीं है। नहीं अरुणा, प्लीज हेल्प मी। अरुणा मुझे माफ कर दो, मेरी जान बचाओ प्लीज। जाने दो अरुणा, इंसान ही इंसान की मदद करता है और इंसानियत के नाते हमें उसे बचाना चाहिए। हाथ दो मुझे, आ जाओ। दूसरा हाथ दो, आराम से। थैंक यू। मेरा अजय तो अब अमर हो चुका है। चल अजय, चल, नखरे मत दिखा, चल। अजय, तुमको जिसने शूट किया था वो अजय ही था ना? नहीं सर, वो तो मेड्डा ने मुझ पर गोली चलाई थी। उस वक्त हमारे पास अपनी जान बचाने के लिए कुछ नहीं था। अगर अजय मेरे साथ नहीं होता तो मैं बच नहीं पाता। और एक बात, अजय ने ही मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कराया और मेरी फैमिली को एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट किया। ये सारी झूठी केस है सर। इंस्पेक्टर, हमारा बेटा जहाँ कहीं भी हो उसे जल्दी से ढूंढ कर ला दीजिए। डोंट वरी सर, हम उसको बहुत जल्द ढूंढ निकालेंगे। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? Hey, what happened? Are you all right? अरुणा। अरुणा? ये अरुणा कौन है? वो मेरी गर्लफ्रेंड है सर, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। आई वॉन्ट टू सी हर, मुझे उससे मिलने जाने दीजिए। ओह, लव स्टोरी। डॉक्टर, मैं इधर कैसे आया? 2 दिन पहले आप नदी के किनारे बेहोश पड़े थे, कुछ लोगों ने आपको उठाकर यहाँ एडमिट कर दिया और वो लोग आपका होश में आने का इंतजार कर रहे थे। By the way, होचा नहीं? अजय सर, सर, please sir, I need to go. Hey अजय, relax man. देखिए, आप इस वक्त बहुत घायल हैं और आपकी हालत बहुत खराब है। You have to take 1 week rest. Sir, please sir, मुझे यहाँ से जाना ही होगा, उसके बगैर मैं नहीं जी सकता। Please sir. मैं आपकी सिचुएशन समझ सकता हूँ। Okay, take care. Thank you sir. Thank you so much. से आने को कैसे ढूंढूं?
फोन करता हूँ। साला नीडुव काला प्रेमिया बदुकली परबहुदु ताने ताना। अब मैं क्या करूं, फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। हाँ, शादी के हॉल में जाता हूँ, शायद वहां से कुछ पता चल जाए। हाँ बहन जी, दो दिन पहले यहाँ एक अरुणा नाम की लड़की की शादी हो रही थी ना, आपको उसके बारे में कुछ पता है? हाँ, वो लड़की जो भाग गई थी ना। हाँ हाँ, वही लड़की। उस लड़की की शादी करके लेके चले गए। हाँ कहाँ? आपको उसका एड्रेस पता है? इसी रास्ते पे आखिरी घर उनका है। हाँ? थैंक यू। आंटी, मैं अजय हूँ। अजय, अजय तुम ही हो ना? हाँ मैं ही हूँ। अरुणा कहाँ है? प्लीज आंटी, मुझे अरुणा से मिलना है, वो कहाँ है प्लीज बता दीजिए, कहाँ है वो आंटी, प्लीज आंटी बताइए ना। तुम दो प्यार करने वाले दिलों को हमने दूर किया, उसी की सजा हमें भगवान ने दी है। मतलब तुम्हारे मरने की खबर सुनकर हम लोगों ने अरुणा की शादी विलास के साथ करवा दी। हाय स्वीट हार्ट, वेलकम टू आवर पैलेस, योर किंग इज वेटिंग फॉर यू। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था ना, तुम्हारी ब्यूटी देख के बोल्ड हो गया था और तू ही मेरी हीरोइन बनेगी फिक्स किया, समझी? पर मुझे साइड करके अपनी स्टोरी सुना के मुझे विलन बना दिया तुमने, उसी स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट दे के मैं हीरो बन गया। मेरी जिंदगी में तुम हमेशा के लिए विलन ही हो। जिस दिन मेरा अजय मर गया उस दिन मैंने भी अपने आप को मार लिया। इस वक्त मातम की बातें मत करो, मेरा साथ दो, खुश रहोगी। मेरे साथ तुम खुश रह पाओगे ये सिर्फ तुम्हारी कल्पना ही रह जाएगी। आज के बाद तुम 24/7 मेरे ही साथ रहोगी, समझी तुम? लोग तो सिर्फ नाइट काउंट करते हैं, मैं डे और नाइट दोनों काउंट करूंगा। इस फर्स्ट नाइट को बेस्ट नाइट बनाऊंगा। एक बात याद रखना, मानसिक रूप से मरी हुई लड़की से शादी की है तुमने, ये बात भूलना नहीं। छह, मूड को डाइवर्ट मत करो डार्लिंग। लाइट को ऑफ कर दूं या ऑन ही रहने दूं? डोंट टच मी, मुझे छूने की कोशिश मत करना। अरेंजमेंट तो बहुत सुपर है, फालतू में टाइम वेस्ट मत करो। खुद से आएगी तो ठीक है, नहीं तो सीधा रेप। अरुणा, ये क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा तुझे? क्या हुआ? ये क्या हो गया तुझे बेटा? क्या हो गया इसको? पापा, मैं अपने अजय के पास जा रही हूँ। मेरे अजय को टेरर ने मारा। मैं अजय के बगैर जी नहीं सकती, इसलिए मैंने जहर पी लिया। पापा
तुमने आपको इतनी बड़ी सजा क्यों दी बेटा? पापा, जब मैं छोटी थी आपसे कुछ भी मांगती थी, आप सबसे पहले मुझे लाके देते थे, लेकिन इस बार आपने ऐसा क्यों नहीं किया पापा? करूं मैं अजय के पास जा रही हूँ। अजय, मैं तुम्हारे पास, सॉरी पापा, अजय, अजय, अरुणा कहाँ है? मुझे उसे देखना है। अभी सब अरुणा की अर्थी लेके शमशान घाट की तरफ गए हैं। Oh,